चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आप सबका माला पहुंच गया, मान लीजिए तिलेश्वर जी के पास, आप सबने माला पहनाया है, आपके जो प्रतिनिधि पहनाए मान लीजिए आपने भी पहनाया है। चलिए आप सबके बीच राधे श्याम गुट्टू जी हैं, मैं समय नहीं इसलिए पाल जी को बुला रहा था, आगे हम कार्यक्रम में लेट होते जा रहे हैं, 2 मिनट का समय आपको है, अभी आप अपने क्षेत्र में स्वागत करने का काम करें, माने राधे श्याम गुट्टू जी। बोले भारत माता की। आप लोगों के बीच में लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश जी हैं, जरा दोनों हाथ हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके बीच पूर्वांचल और आजमगढ़ के माटी के लाल लोकप्रिय भोजपुरी स्टार आपके चहेते प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के झंडा बरदार, मैं चिकनावा की धरती पर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत कुछ न कहते हुए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग 12 मई को कमल निशान के सामने वाली बटन दबा करके अपने प्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अगर आप श्री निरहुआ जी को विजयी बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके चहेते नेता पूरे दुनिया के ब्रांड श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार का सपना साकार होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बस एक बार दिनेश जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बारी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। बहुत लास्ट घाट के लोग हमारे आजमगढ़ के लोग कहिया सोच के मतदनवा आजमगढ़ के लोग, और अगर गलती कर ला दो सवाल बेच दी है देश भर के कुछ ना होला सब बात बेकार, देश भर कुछ ना हो कुछ ना, न भाई न बाप न भाई न घर न कुमार न खेत न खलिहान कुछ ना, सबसे ऊपर देश, देश से भला हुई तब सबका भला हो, सही बात है। तो देश से बढ़ के कुछ ना होना सब बात बेकार, और देश के हित में हमारे भैया लोग के हित में हमारे बहनों लोग के हित में किसानों के हित में जवानों के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार सोच के करिया मतदनवा लास्ट घाट के लोग, अब क्यों पूछी निकाले तो कह दिया कि मेरे हुआ कई देर पर